आज मैं घर के ही सामान से बहुत ही लजीज इस सब्जी को बनाएंगे और एकदम पनीर भी एकदम सॉफ्ट और एकदम इतनी आसान तरीके से बनाएंगे कि आप इसे बहुत ही कम समय में इसे बना लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो ये देखिए 200 ग्राम हम इसका पनीर लिए हैं और ये 250 ग्राम मटर है, ये हरा मटर ताज़ा मटर है फ्रेंड। तो इसे अच्छी तरीके से हम धो लिए हैं और पनीर को हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। आप इससे बड़ा भी काट सकते हैं। एक बड़ा साइज का टमाटर है और ये दो बड़े साइज का प्याज है जिसे हम इस तरीके के स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। और उसके बाद दो तेज़पत्ता, थोड़ा सा हम दालचीनी, एक बड़ी इलायची और दो लौंग लिए हैं। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। तो 4 सूखी मिर्च और 10 हम लहसुन लिए हैं और 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक और ये तेज़पत्ता 1 लिए हैं जिसे हम इसमें तोड़ के पीसेंगे। और उसके बाद हम काली मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 2 हरी इलायची और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और इसमें आधा हम टमाटर भी काट के डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और हम सरसों का तेल कढ़ाई में 2 चम्मच डाले हैं और पहले हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर पनीर को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप बिना फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा फ्राई करके बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो सरसों के तेल में ही सब्जी बनाने से बहुत ही ये अच्छी बनती है। तो बस इसे हल्का हम इस तरीके का फ्राई कर लिए, देखिए। अब सेम कढ़ाई में और सेम तेल में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जो खड़ा मसाला था दालचीनी लौंग और बड़ी इलायची को खोलकर हम इसे डाल दिए, थोड़ा चटक गया। तो उसके बाद प्याज जो काट कर रखे थे उसे हम डालकर इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसमें अभी ही नमक डाल देंगे। नमक डालने से प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और भुना जाता है। तो इसे मिला देंगे और इसे हम हल्का भून लेंगे। उसके बाद फ्लेम को कम करके हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। तो कभी भी आप सूखा मसाला डालने समय फ्लेम को बिल्कुल कम रखिए फ्रेंड्स। और उसके बाद ये जो मसाला का पेस्ट बना कर रखे थे उसको हम अभी डाल देंगे सभी को और इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। और जो टमाटर काट के रखे थे उसे भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सर जार कर धोकर हम इसे डाल देंगे। जो इसमें मसाला लगा हुआ है उतना ही पानी डालेंगे और इसे हम फ्लेम को मीडियम करके एकदम अच्छी तरीके से मसाला को हम भुनेंगे। आधा चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल दिए और इसे 2 मिनट भुनने के बाद इसमें मटर भी डाल देंगे। तो मटर कच्चा है, हरा है और ताज़ा है, तो इसे भी पकने में कुछ टाइम लगता है। आप शिमला मिर्च काटकर छोटे छोटे टुकड़े में डाल देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम सभी को एकदम अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ भुनेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भुनाना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं फ्रेंड्स तो मसाला को बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से भुनिए और 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। मसाला को अच्छी तरह भुनने के बाद आपको जितना ग्रेवी रखना है उसके मुताबिक आप पानी डालिए। तो हम 1 गिलास पानी डाले हैं, तो 1 गिलास में ये ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिला दिए और उसके बाद पनीर को भी डाल देंगे और पनीर को भी अच्छी तरीके से इसमें हम मिला देंगे। पनीर को लास्ट में इसलिए डालेंगे कि पनीर तो फ्राई है और पहले डालेंगे तो ये टूट जाएगा। और इसे ढककर हम इसे मसाला को पकने तक 2 से 3 मिनट तक इसे हम खौलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुका, देखिए सब्जी अच्छी तरीके से खौल गया फ्रेंड्स, देखिए। तो इसे एक बार मिला लेंगे और उसके बाद हम ढेर सारा इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे। तो अभी तो बहुत हरा हरा आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसे आप डालिए। ये ऐसी सब्जी है फ्रेंड्स, तो आप बैचलर भी हैं तो इसे बनाकर और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ढक्कन को बंद करके 2 मिनट सब्जी को ठंडा होने तक रखेंगे। तो देखिए सब्जी बिल्कुल ठंडा हो गई है। तो इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म और इसे रोटी, चावल, पुलाव किसी के साथ खाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार इसे बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। तो ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो सब्जी को देखकर ही आप बता सकते हैं कि सब्जी का कैसा टेस्ट होगा। तो धनिया के पत्ती से इसे हम सजा देंगे। तो फ्रेंड्स
एक बार इसे ज़रूर बनाइए और मेरे कमेंट्स में लिखिए कि ये मेरी सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।